जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में बढ़ाया जाएगा प्री प्राइमरी स्कूलों का दायरा। हिमाचल प्रदेश में भी प्री प्राइमरी स्कूलों का दायरा ही बढ़ाया जाएगा। 750 और स्कूलों में नर्सरी और केजी की कक्षाएं शुरू करने की तैयारी है। अभी 4000 स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं लगी है। इसके अलावा छठी से आठवीं कक्षा में प्री वोकेशनल शिक्षा भी दी जाएगी। इन योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग के 980 करोड़ रुपए के प्लान को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। शिक्षा विभाग की ओर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। जिला उपायुक्त ने किया एकीकृत बागवानी विकास मिशन की बैठक का आयोजन। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां जिला की एकीकृत बागवानी विकास मिशन की बैठक ली। उन्होंने इस अवसर पर पर्वतीय राज्य में बागवानी क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से रोजगार प्रदान करने में अहम योगदान पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत किसानों और बागवानों को उच्च तकनीक पौधशाला व वर्मी कंपोस्ट पिट में उदार रूप से अनुदान दिया जा रहा है। HPU के 5 दिव्यांग विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय फेलोशिप लेकर रचा इतिहास। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 5 दिव्यांग PhD शोधार्थियों ने केंद्र सरकार की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फेलोशिप अर्जित कर एक नया इतिहास रचा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग MPhil और PhD के विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर यह फेलोशिप देता है। यह पहला अवसर है कि इतनी बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के दिव्यांग विद्यार्थियों ने यह सफलता प्राप्त की। जिला उपायुक्त ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत बैठक का किया आयोजन। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज बचत भवन सभागार में महिला एवं बाल विकास विभाग जिला शिमला एवं जिला प्रशासन द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि हर वर्ष बेटियां नागरिक सेवाएं खेलकूद एवं अन्य सभी क्षेत्रों में सराहनीय प्रदर्शन कर रही है। बेटियां आज बेटों से अधिक ऊर्जावान हैं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा शिक्षक सम्मानित। शिक्षण संस्थान डाइट नाहन में आज समग्र शिक्षा अभियान के तहत श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा जिला सिरमौर के 9 शिक्षा खंडों के शिक्षकों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शून्य नवचारों को अपनाकर बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था। ट्रेनिंग के बाद स्कूलों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले शिक्षकों को आज सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर कार्यक्रम में उच्च शिक्षा उपनिदेशक बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। बच्चों के लिए देश की पहली प्रोटीन युक्त वैक्सीन CDL में होगा परीक्षण। कोरोना वायरस से बचाव के लिए भारत में पहली फुली प्रोटीन वैक्सीन को आपात मंजूरी मिल गई है। 12 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को लगने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की नोवावैक्स वैक्सीन भी सुरक्षा कवच के रूप में जुड़ जाएगी। हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने नोवावैक्स को आपात मंजूरी दी है। अब कंपनी की ओर से ग्रीन टिकट के लिए बेच सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कसौली को भेजा जाएगा। यहां परीक्षण के बाद कंपनी वैक्सीन को बाजार में उतारेगी। आपका खतरा मंडराया तो पार्टियों को अपना रूठा कार्यकर्ता याद आया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में लग गई है। एक ओर जहां आम आदमी पार्टी प्रदेश में अपनी जड़ें फैलाने में लगी है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस पार्टी रूठे नेताओं को मनाने में लगी है। ऐसे में भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। प्रदेश की जनता कभी भी तीसरा विकल्प नहीं चाहती। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पार्टी का मुकाबला कांग्रेस पार्टी से होगा। आज़ादी के 75 साल बाद प्रदेश के 4 गांवों में जलेगा बल्ब। जानिए क्यों लगा इतना समय। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की सेंज तहसील के अति दुर्गम सागटी मरोड शुगाड़ और कुटला गांव में पहली बार बिजली का बल्ब जलेगा। आज़ादी के 75 साल बाद आखिरकार 300 ग्रामीणों का इंतजार खत्म होने वाला है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से 11 केवी HT ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने की अनुमति प्रदान की है। राज्य बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इसकी अनुमति पहले भी दे चुका है। अब वन विभाग की मंजूरी का इंतजार है।
ड्रोन कैमरा रखेगा वनों पर पैनी नजर, रुकेगा गैर कानूनी कटान, मुख्य सचिव राम सुबह सिंह। प्रदेश के वनों में गैर कानूनी कटान रोकने के लिए ड्रोन कैमरा अहम भूमिका निभाने वाला है। ड्रोन कैमरा के व्यापक इस्तेमाल को देखते हुए मुख्य सचिव राम सुबह सिंह ने वनों के गैर कानूनी कटान, गैर कानूनी खनन, अतिक्रमण निगरानी के लिए ड्रोन का प्रयोग करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्य सुचारू रूप से हो इसके लिए विभाग के चुनिंदा फ्रंट लाइन स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान स्टाफ को ड्रोन इस्तेमाल की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। नगर परिषद के 6000 उपभोक्ताओं ने नहीं चुकाया 1.95 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स। जिला मुख्यालय नाहन के नगर परिषद के तहत आने वाले 6000 उपभोक्ताओं ने लंबे समय से हाउस टैक्स जमा नहीं करवाया है, जिसके चलते अब इन उपभोक्ताओं के पास नगर परिषद का 1.95 करोड़ रुपए हाउस टैक्स बकाया है। हाउस टैक्स जमा न करवाने वाले उपभोक्ताओं को नगर परिषद नाहन द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार तोमर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि नगर परिषद का 1.95 करोड़ रुपए हाउस टैक्स का लोगों ने नहीं चुकाया है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद ने शहर के 6000 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए हैं।